अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साहिबा बुटीक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा फैंसी सा कुशन। तो ये आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 15x15 का मैंने एक फैब्रिक लिया है। तो ये मेरा बैक पोर्शन है, मैंने 15x15 का ले लिया है। और अब हम इसे ट्राइंगुलर शेप में हम इसे फोल्ड करेंगे। और उसके बाद हम एक वेलवेट का फैब्रिक ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मरून कलर का वेलवेट लिया है। आप सैटिन फैब्रिक भी ले सकते हैं या आप कोई भी किसी भी कलर का फैब्रिक ले सकते हैं। तो उसको फोल्ड करके हम स्टिच पिंस लगा लेंगे, उस पर हम रख के पिंस लगा लेंगे। और कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंगल फोल्ड किया था, तो मेरा एक फैब्रिक या ट्रायंगुलर शेप में मेरा कट कर तैयार हो जाएगा। आपको वाइट वाले फैब्रिक को कट नहीं करना है, बस मैं यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करके बता रही हूँ कि हमें कैसे ये हम ट्रायंगुलर शेप में बनाकर कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने मरून वाला फैब्रिक अपना कट कर लिया है। तो ऐसे ही हम ट्रायंगुलर शेप में वाइट भी कट कर लेंगे। तो ये मेरा बिल्कुल 15x15 का ये भी बनकर कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इसे पलट कर हम पिंस लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप स्टिचेस लगा लीजिएगा, मैंने पिंस लगाया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखिए, मेरा इस कुछ इस तरह से ये कट कर और बनकर कंप्लीट होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम यहाँ पे उस वाले एरिया में स्टिचेस लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिचेस लगा ली है और मेरा बैक का जो पोर्शन है, जो मैंने वाइट कलर का जो बैक पोर्शन लिया है, उसको हम रख कर अब मैं आपको स्टिचेस कर मैं दिखाती हूँ। मैं जिप लगाऊंगी अपर पोर्शन में। तो हमें क्या करना, हमें तीन साइड्स पर स्टिचेस लगा लेना है। तो आप बिल्कुल इसे घर पर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजली और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है और बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो आप इसे ट्राई कीजिए, ये ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि हार्ड है, बिल्कुल ईजी है। तो ये मैंने थ्री साइड्स पर अपने कर लिए। अब मैं यहाँ पे ज़िप लगाऊंगी। तो ज़िप हमें मरून वाले पोर्शन पर लगाना है। तो ज़िप लगाने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। और ये ज़िप लगाने का बिल्कुल इजी मेथड होता है, तो आप ऐसे ही ज़िप लगाया कीजिए। अब हम अपने साइड्स में जो मेरा ओपन एरिया था, हम उसे स्टिच कर लेंगे, स्टिचेस लगा लेंगे उस पर। तो ये मेरा स्टिचेस लगकर कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, कुछ ऐसा ये बनकर तैयार होगा। अब हम यहाँ पे सेंटर में फ्लावर डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का सैटिन रिबन लिया है। तो मेरी इसकी विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की मैं लेंथ लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पीस लिया है 7 सेंटीमीटर का और 6 पीस लिया है मैंने 8 सेंटीमीटर का। अब हम इसे कैंडल की हेल्प से और साइड्स बाय साइड्स में हम इसे थोड़ा फ्लेम लगा लेंगे ताकि ये मेरा रिबन खुले ना। और 7 पीसेस वाले जो मेरे दोनों जो मेरे 2 हैं 7 पीसेस वाले, उसको हम थोड़ा कट कर लेंगे कर्व शेप में। और कट करके उसे भी हम कैंडल की हेल्प से हम थोड़ा फ्लेम लगा लेंगे। तो ये मेरा हो गया। अब हम इसे डबल फोल्ड कर और हम नीडल की हेल्प से और इस पे हम स्टिचेस लगा लेंगे।
तो जब आप सेकंड वाला लगाइए तो फिर आप 7 सेंटीमीटर वाला जो मैंने कट किया है उसको आप डालकर और इसको अटैच कर लेना है। बस करना कुछ नहीं है आपको, जो 8 सेंटीमीटर वाला फैब्रिक हो उसको डबल फोल्ड कीजिए और 7 सेंटीमीटर वाला जो मेरा फैब्रिक है उसको अटैच करते जाइए। तो मेरा दो ही है 7 सेंटीमीटर वाला, तो मैंने अटैच कर लिया है। अब मेरा जो और बचा अटैच कर लेंगे। और फिर उसको आपको खींच लेना है, तो ये एक फ्लावर का शेप बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं सैटिन रिबन की हेल्प से। यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन मरून भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लावर को मैंने वाइट रखा है। तो अब आप कोई बटन्स ले लीजिए, फैंसी बटन्स, और उस पर डालकर उसे स्टिचेस लगा लीजिए और फिर आप उसे सेंटर पर रख के अटैच कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा ब्यूटीफुल सा कुशन बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।